मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले से एक दर्दनाक हादसा सामने आया। घटना ओरछा की है, जहां एक कार हादसे का शिकार हो गई और नदी में जा गिरी। कार में 5 लोग सवार थे। एक पुलिया पर टेम्पो के साथ टक्कर होने के बाद कार नदी में गिर गई। हादसे के दौरान एक शख्स बच्चे को बचाने के लिए पुल पर खड़े लोगों की ओर फेंकता है, लेकिन बच्चा लोगों तक पहुंचने से पहले ही पानी में गिर जाता है। हालांकि पुल पर खड़े लोगों ने तुरंत नदी में उतरकर बच्चे को बचा लिया। बाद में सभी 5 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। ओरछा के थाना प्रभारी नरेंद्र त्रिपाठी ने घटना के बारे में बताया कि झांसी की ओर से ओरछा आ रही कार पुल पर ऑटो से टकराते ही नदी में जा गिरी। कार में बच्चे को फेंका गया, लेकिन वो नदी में जा गिरा। अंत में लोगों ने उसे और कार में सवार यात्रियों को बचा लिया। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह बच्चे को फेंका गया और वो लोगों के हाथ आने से पहले ही नदी में जा गिरा। हालांकि गनीमत ये रही कि तुरंत ही बच्चे को बचा लिया गया, लोग नदी में कूदे और बच्चे को बचाया। साथ ही कार में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया।